नमस्कार देवी सज्जनों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है मैक्सर AKA अनुज और आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के कुछ ऐसे मिथ्स और चीट कोड को ट्राई करने वाले हैं जो मेरे को आप लोगों ने कमेंट करके बताए थे। और सबसे जरूरी, आप लोगों ने मेरे को फ्लाइंग कार का भी चीट कोड बताया था, तो चलो देखते हैं क्या ये चीट कोड रियल है या फिर फेक। लेकिन यार, आप लोग वीडियो को देखते देखते वीडियो में इतना खो जाते हो कि आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हो। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, सभी बंदे मिलकर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको दिल से धन्यवाद। लेकिन यार, आप लोगों ने अगर बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया तो प्लीज यार बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले हमारे लेजेंड भाई का कहना है, अगर हम लोग एक जगह पे दो ट्रक स्पॉन करते हैं तो वो दोनों ट्रक हवा में उड़ जाएंगे। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रक का चीट कोड है 1212। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ट्रक को स्पॉन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक ट्रक आ चुका है और अभी मेरे को यहाँ पे एक और ट्रक को स्पॉन करना है एंड ये दोनों ट्रक। अबे भाई, ये कहाँ गए? ये तो सच में उड़ गए भाई, गायब ही हो गए। किधर गए ये दोनों? अरे ये दोनों तो लड़ाई कर रहे हैं भाई। रियली भाई, मेरे को तो नहीं लगा था कि ट्रक उड़ेंगे, लेकिन फिर भी देखो यार, ट्रक उड़ रहे हैं और उड़े ही जा रहे हैं भाई दोनों। ये क्या करके रहे हैं भाई? भाई दोनों के अंदर मैग्नेट है क्या? अरे अरे अरे, ओ भाई ये दोनों तो बहुत दूर गिरे भाई। इसका मतलब ट्रक उड़ते हैं भाई, एंड हिज द मिथ इज कंफर्म्ड। ओके, तो चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ, जिसमें हमारे अली हमजा भाई का कहना है, अगर हम लोग 2000 डायल करते हैं यानी कि 2000, तो हमारे पास रोल्स रॉयस आ जाएगी। चलो ट्राई करके देखते हैं ये चीट कोड रियल है या फिर फेक। तो यहाँ पे मैंने चीट कोड डाल दिया है एंड सच में रॉयल्स रॉयस आ गई। ओ भाई, इसकी लुक तो देखो यार, इसको तो चलाने में मजा आएगा भाई। रियल लाइफ में मिले या ना मिले, लेकिन गेम में तो मैं इसके धुर्राटे गाड़ दूंगा। लेकिन चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड हमारे इस भाई का कहना है, अगर हम लोग 108 यानी कि 108 डायल करते हैं तो हमारे सामने आ जाती है एम्बुलेंस। और लिटरली यार, ये एम्बुलेंस है कि एम्बुलेंस है भाई, पता नहीं चलता। इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, लेकिन इसका चीट कोड अप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे मैंने इसका चीट कोड डाल दिया है, लेकिन मेरे को तो कहीं पे भी आजू बाजू एम्बुलेंस नहीं मिल रही। लेकिन हमारे भाई ने कहा है तो एम्बुलेंस को आना पड़ेगा, वो जरूर आएगी, लेकिन पता नहीं कब आएगी। तो अभी के लिए तो ये मिथ बस्टर्ड है। तो अभी हमारे इस बाइक का कहना है, अगर हम लोग 4x5 डायल करते हैं तो हमारे सामने फायर वाली बाइक आ जाएगी। चलो इस चीट कोड को ट्राई करके देखते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक आती है जो हमारे लिए धुर्राटे गाड़ देगी। तो सबसे पहले तो मैं अपना निकाल लेता हूँ आईफोन एंड यहाँ पे डालते हैं 5555। तो यहाँ पे मैंने चीट कोड डाल दिया है एंड सच में गोस्ट बाइक यानी कि फायर वाली बाइक आ चुकी है। लेकिन दिक्कत की बात है, इसको चलाएगा कौन? अगर ये चलाएगा तो इसका, अबे पिछवाड़ा नहीं जलता, अंबुजा सीमेंट से बना है क्या? इसके पिछवाड़े को मारो गोली एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। और हमारे इस बाइक का कहना है, अगर हम लोग 7112 डायल करेंगे और किसी भी गाड़ी को हाई हाइट से नीचे फेंकेंगे तो वो फ्लाइंग कार बन जाएगी। लिटरली फ्लाइंग कार जो हवा में उड़ेगी। उड़ेगी या फिर नहीं, ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपकी नजरों में भी है कोई साफ सुंदर सुशील में या फिर कोई ऐसा चीट कोड जो दुनिया की नजरों से छिपा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो, ताकि हम लोग पूरी दुनिया के सामने आपके मिथ और कोड का डिंडोरा पीट के खुद के लिए कंटेंट निकाल सके। अरे ये सब छोड़ो, तुम लोग, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मेगा रैंप के ऊपर एंड अभी हम लोगों के पास है ब्लैक कार। और भाई के कहने के मुताबिक हम लोगों ने 7112 चीट कोड डाल दिया है एंड यहाँ पे चीट कोड एक्टिवेट हो चुका है। एंड अभी देखते हैं क्या हमारी कार फ्लाइंग कार में बदली है या फिर ये अभी भी जमीन पे रेंगती है। तो चल मेरी धन्नो, आज तेरे को चलना नहीं उड़ना है, क्योंकि भाई की इज्जत दांव पे लगी है। अबे जिसने कमेंट किया है उसकी इज्जत दांव पे लगी है, मेरी क्यों लगेगी? चलो यहाँ पे मैंने कार को चला दिया है एंड देखते हैं अभी ये उड़ती है या फिर नहीं। और ये कार सच में उड़ रही है क्या? अरे यार, इसके नीचे जाने की थोड़ी सी रफ्तार कम है, लेकिन मेरा कार पे कोई कंट्रोल नहीं है, मैं इसको जरा सा भी नहीं हिला पा रहा। एंड ये उड़ तो नहीं रही, हवा में फ्लोट कर रही है। लेकिन भाई, जो चीज हवा में तैर सके वही तो होती है फ्लाइंग, तो ये भी फ्लाइंग कार हुई। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये कार नीचे को जा रही है, इसका मतलब ये उड़ भी नहीं रही और देखें तो थोड़ी थोड़ी उड़ भी रही है। अबे ये मिथ कंफर्म्ड है या फिर बस्टर्ड? यार इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ ये मिथ कंफर्म्ड है या फिर बस्टर्ड। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम, मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ यार, फॉलो करो, ज्वाइन करो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी आप लोगों के लिए इतनी इंग्लिश झाड़ दी है तो भाई कर दो लाइक सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।